योजना क्या है ये बताइए। अन्ना भाई ये मेन बात पे अभी आए, बहुत ही सिंपल है अन्ना भाई। मैंने क्या किया, दीपू खरबंडे के घर पे मैंने मैसेज भिजवा दिया कि आज आपके घर पे दुनिया भर से बहुत ही मशहूर कवि शायर और गीतकार आने वाले हैं कवि सम्मेलन के लिए, तो आप भी आ जाना। और अन्ना भाई आपको तो पता ही है ये कवि और गीतकारों की तो आदत होती है, कवि सम्मेलन में एक दूसरे की तारीफ करते ही रहते हैं। हाँ वो बात तो बराबर बोली आपने, कोई भी कवि ऐसा माइक पे गला भी खराशेगा ना ऐसे तो भी आजू बाजू में बैठे वाले अरे वाह वाह क्या गला खराश है, वाह क्या बात ऐसा करते। तो बस हमें ऐसा ही माहौल बनाना है। क्या होगा जैसे ही प्रभाकर अपने गाने की पहली लाइन बोलेगा तो दीपू खरबंडे वाह वाह करे या ना करे हम सब वाह 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 करते रहेंगे। एक बार प्रभाकर का विश्वास वापस आ गया फिर आप देखिएगा कैसे वो गाने पे गाना मारता है। परमेश्वर ऐसा हो जाए बस। होगा ही होगा अन्ना भाई, आप लिख लीजिए, टेक इट फ्रॉम मी। अन्ना साहब गोखले है क्या? अन्ना भाई आगे आगे, आप उनका स्वागत कीजिए, आगे का मैं संभालूंगा। आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है आपका धनबाग की, आप हमारे वाड़े में पधारे। मैं परिचय करवा दूं, वो हरी साड़ी में मेरी धर्म पत्नी ज्योत्सना, और ये क्या 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 इस नाचीज को पटेहाल मुरादाबादी कहते हैं। वाह वाह, आपका नाम तो मैंने कहीं नहीं सुना। अरे सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में नहीं अमेरिका, सीधा अमेरिका में शायरी करते हैं। तो फिर ये इम्पोकेट है, इम्पोकेट। क्या क्या बोलते हो, इम्पोर्टेड? वैसे वाले शायर बियर है, ये बियर भी है। मुशायरे के बाद वैसे मुझे तो पहचान ही लिया होगा। अरे ये तो पूछना रह गया, ये कौन? जुलाब बंद? जुलाब बंद नहीं, गुलाब, गजरा गुलाबगंज। बहुत बड़ी शायरा है ये, इनका नाम भी नहीं सुना। ये भी इम्पोकेट। इधर नहीं करती शायरी बीरी, है ना महेंद्र भाऊ? के भेजे हुए शायर फटले क्या नाम बताया? शेक्सपियर जी कहा करते थे कि व्हाट इज देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। वैसे आज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शायर आने वाले हैं, आपकी तारीफ। मैं भी यहाँ का प्रसिद्ध गीतकार हूँ, मुझे दीपू खरबंदे कहते हैं। आपका नाम भी नहीं सुना मैंने। ये इधर ही किधर करते रहते शायरी बीन। गलत है, नहीं जनाब आप हमारे साथ होनोलुलु चलिए। अरे होनोलुलु में शायरी का बहुत स्कोप है। अच्छा अभी अभी लुलुलु बंद कीजिए, ले लू ले लू, अंदर ले लो। हाँ हाँ, आज के मुशायरे के बारे में सोचते हैं। हाँ तो जनाब अन्ना साहब बाकी शायर आगे, सब लोग तैयार हो के बैठे एक कोप्च में। हाँ तो फिर हो जाए, हो जाए तो हो जाए। ये सब क्या हो रहा है? प्रभाकर भैया मैंने आपसे कहा ना, आपको मेरी कसम है, शांति से बैठिए और बस देखिए। दीपू खरबंडे जी। हाँ तो जनाब मैं इन सबका परिचय करवा देता हूँ आपसे। ये है मशहूर शायरा दमालू दहलवी। आदाब आदाब। आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा है ना, क्योंकि ये युगांडा में शायरी करती हैं। और ये है कमसीन अमरोही। मैं नहीं, ये साइबेरिया में बहुत फेमस है,
और ये हैं दागदार दहलवी, टिम्बकटू के टुच्चे, ऊंचे शायर, और ये हैं लुक्खे लुधियानवी। अगर लुक्का अपने शेर अफ्रीका में पढ़ते हैं। आपने तो सुना होगा कि आजकल अफ्रीका में शेरों की आबादी बहुत बढ़ गई है। ये सब इनकी बदौलत है। अरे वाह वाह अन्ना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने बड़े शहरों के बीच बैठने का मौका दिया। अरे धन्यवाद देना ही है तो मुझे नहीं, प्रभाकर जी को दीजिए, क्योंकि ये सब बड़े बड़े इम्पोर्टेड शायर इनकी वजह से ही यहाँ पे जमा हुए हैं। तो ये सब चाहते हैं कि प्रभाकर कभी कोई गाना ना लिखे। अरे दमदार दमालू, क्या शुरू हो जाइए। दमालू दहलवी। मोहतरमा माफ कीजिएगा, शायरी पढ़िए। तो अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह 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 वाह, क्या हिम्मत वाली बकरी है। वाह 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 वाह, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। अरे वाह वाह, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह 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 वाह, चोट सुना, इन्होंने वाह वाह बोला। भारत के लिए बोला, एक बार प्रभाकर के लिए बोल दे तो बस। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। आधे घंटे बाद उतर गई। वाह 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 वाह, क्या उतारा है। वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे बहुत उच्चे शहर, आप भी सुना दीजिए कुछ। नौबिले जी। इरशाद, इरशाद। दूर से देखा, अरे देखने लायक शेर, दूर से देखा। वाह 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 वाह, दूर से देखा तो कुछ दिखा नहीं। वाह वाह वाह, नजदीक से देखा। हाँ, अभी दिखेगा, अभी बराबर अभी दिखेगा, फिर भी कुछ दिखा नहीं। अच्छा, क्योंकि जनाब कागज में था, कुछ लिखा नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या शायरी है। वाह, जब कुछ लिखा ही नहीं था तो दिखेगा कैसे। चक्रो अमलन सोमड़ी, तू चुप रहे ना। रोबी मार डाला उसके, तूने मार डाला। वाह 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 कातिल। वाह, तब कौन आ रहा है अपना शेर सुनाने। मैं अभी मैं एक शेर पेश करता हूँ। शेर बंदर हुप हुप, मेढक ड्राउ ड्राउ। अरे ओ अन्ना साहब, यहाँ शेरो शायरी का जलसा चल रहा है, ये आप क्या शुरू हो गए। तू मैंने भी लाया ना शेर। अभी शायरी करता हुआ बतख, पक 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 पक। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, सचमुच में नहीं आया है इधर बतख। मैंने बतख जैसी हूबहू आवाज निकाली। ये क्या फालतूगिरी है, क्यों पूरे मुशायरे का मजा बिगाड़ रहे हो। अरे कोई इनको बोलो कुछ। अरे एक इनका बेटा फालतू फालतू गाने बनाता फिरता है, और एक ये जानवरों की नकल करके दिमाग की नस एक कर रहे हैं। वो खरबंडे जी, प्रभाकर को गुस्सा आता है जब होता है अन्ना का अपमान, और अन्ना का अपमान होता है तब बढ़ता है मेरे सिर का तापमान। तो अन्ना का अपमान सिर का तापमान एक हुए, मेरे हाथ की कमान और आपका गिरेवान एक हुए। अरे वाह 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 वाह, बनाया बना, मेरे प्रभु कितने गाना बने। अन्ना मैं इनसे डरता था क्योंकि समझता था इनका ऊंचा, मगर फालतू गाने पे वाह वाह कर रहा है यहाँ बैठकर ये टुच्चा। तो फालतू गाने टुच्चा एक हुए, इनके ताने और मेरा गुच्चा एक हुए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बनाओ गाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे जाने दो।
आज मुझे पता चल गया, एक बार आपका नाम बड़ा हो जाए ना, फिर आप कैसा भी कुछ भी लिखो दुनिया वाह वाह ही करती है। बरोबर। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी अपना नाम बड़ा करूंगा और उसके लिए एक से एक गाने लिखूंगा। हाँ बड़ा लिखना लिखना। अरे भारती। हाँ? वो मेरे गानों की किताब तुमने रद्दी में तो नहीं दे दी ना? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं दी है। अब भी मैं उन किताबों में से अन्ना को सारे गाने सुनाता हूँ। अभी नहीं सुनेंगे अन्ना? सुनूंगा सुनूंगा, क्यों नहीं भाई। लेके लेके जा भाई लेके। हाँ 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 मेरा बच्चा महेंद्र भाऊ। आपके सुझाव की वजह से प्रभाकर फिर से गाना बनाने लगा। हमारे घर में खुशियां वापस लौटा दी आपने। आज आप कुछ भी मांगिए मैं देने को तैयार हूं। अन्ना कहीं अगर इन्होंने ऐसा मांग लिया कि गायत्री को मेरे घर पे भिजवा दो तो। अन्ना भाई आप क्या, अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मांग महेंद्र मांग तुझे क्या चाहिए, तब भी एक बात याद रखना गायत्री बेटा, तेरी मर्जी के खिलाफ मैं तुझे भी नहीं मांगूंगा। लेकिन मैं तो मांग लूंगी, एक बार चोचुला बेन गायत्री की प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए फिर मेरी वास के नाम पर उसे मैके ले जाने की परमिशन मांग लूंगी आपसे। और एक बार गायत्री मैके आ गई फिर अभिषेक और गायत्री एक हुए ही समझो। लेकिन पहले गायत्री प्रेग्नेंट है कि नहीं ये पता तो चले। ले आपको अभी तक मुझ पे विश्वास नहीं है? ठीक है ठीक है, अब देर ही कितनी है, आज नहीं तो कल गायत्री को सबके सामने ये बात बतानी तो पड़ेगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए।